हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलम शर्मा, वेलकम टू थॉट स्पॉट अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th बायोलॉजी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम जेनेटिक्स यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ बेटा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे जीनोम का जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें? आरएनए में। पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे जीनोम की इंफॉर्मेशन है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है, यानी हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे पेरेंट्स से मिली है, उस इंफॉर्मेशन का कैसे हमारे सेल्स के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है, हमारे पेरेंट्स से मिली है, वो हमारे डीएनए से किसमें ट्रांसक्राइब हो जाती है? आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक जो नोट करने वाली चीज ये है कि केवल और केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड, यानी सिंगल स्ट्रैंड है, वो जो है ट्रांसक्राइब होता है किसमें? आरएनए में। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, बिकॉज डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। क्या पोलैरिटी रहती है बेटा इसकी? एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी रहती है 3' to 5' डायरेक्शन रहेगी। जो सेकंड स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? इसके जस्ट एंटी पैरेलल। यानी अगर ये 3' है तो इसके एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा? 5' to 3'। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? इस डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से एक ऐसे आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होना जिसमें जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो किसको दे देता है? आरएनए को दे देता है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, हमारा डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, तो पूरा का पूरा डीएनए कभी भी एमआरएनए में आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ये इतना बड़ा पार्ट है डीएनए का सपोज करो, तो कुछ ही सेगमेंट ऐसा है, ठीक है, कुछ सेगमेंट ऐसा है, ओनली वन सेगमेंट हम कह सकते हैं, ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। तो सबसे पहली बात तो ये रही, क्या चीज, कि कभी भी पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, केवल और केवल इसका कुछ पार्ट है जो किसमें ट्रांसक्राइब होता है? आरएनए में। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। अभी टेम्पलेट क्या है, पहले देख लेते हैं टेम्पलेट वर्ड है क्या। यानी डीएनए का बेटा वो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो स्ट्रैंड जो आगे किसमें कन्वर्ट होगा? आरएनए में कन्वर्ट होगा, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हमारा पहला पॉइंट हो गया कि कुछ ही सेगमेंट है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात क्या है कि डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है, वो किसकी तरह वर्क करेगा? टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। यानी दोनों स्ट्रैंड है वो कभी भी आरएनए में नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड है जिसकी कॉपी होकर के किसमें आती है? आरएनए में आती है। यानी हम दूसरा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं दैट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए acts as a template strand, template strand। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब टेम्पलेट हमें पता चल गया, टेम्पलेट डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है, हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 3' to 5' और दूसरा 5' to 3'। तो वो स्ट्रैंड जो आगे आरएनए में
अपनी इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है या जिसका सीक्वेंस आगे कोड होने वाला है आरएनए में, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसमें बेटा क्या आ जाता है, देखो इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, आरएनए के अंदर कौन सा स्ट्रैंड जाने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं। एक स्ट्रैंड है हमारा डीएनए के अंदर 5'-3'। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैंड जस्ट इसका एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 3'-5'। तो बेटा इन दोनों में से अब कौन सा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और कौन सा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट नहीं है, उसका भी एक नाम है स्पेशल, यानी जो टेम्पलेट नहीं है उसका नाम अभी बताएंगे आगे क्या होता है। तो पहले हम इस पे आ जाते हैं। तो डीएनए का स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी होती है 5'-3'। ये बेटा ये वाला स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, इस ये ही हमेशा इसकी तरह वर्क करेगा, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। यानी कि जो आरएनए की सिंथेसिस होगी इसी स्ट्रैंड करो स्ट्रैंड के ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा अब इसको तो हमने टेम्पलेट नाम दे दिया, ये हमारा हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये दूसरा स्ट्रैंड, इसका भी कोई नाम होगा, इसका नाम क्या होता है? तो बेटा इसका नाम होता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, वैसे तो बेटा बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो अपने आप को खुद ही डिफाइन कर देते हैं, यानी उनके जो नेम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन होते हैं, बट ये जस्ट अपोजिट है। नाम इसका मतलब स्ट्रेंज है ये बात, नाम इसका है कोडिंग स्ट्रैंड, बट इसका जो रोल है जो फंक्शन है जस्ट इसका अपोजिट है। मीनिंग क्या है इसका, कि ये जो स्ट्रैंड होता है कभी भी किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करता, पर नाम इसका क्या रख दिया हमने, कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कोडिंग स्ट्रैंड वो होता है विच डू नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो आगे ट्रांसक्रिप्शन में उसका कोई रोल नहीं है। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगी। याद करते हैं हम सेंट्रल डोगमा को, इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा सेंट्रल डोगमा में क्या था हमारा, एक बार देखते हैं कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, सॉरी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमने कैसे पढ़ा था सेंट्रल डोगमा में, याद करते हैं एक बार उसको। सेंट्रल डोगमा क्या था, सेंट्रल डोगमा हमने पढ़ा था कि हमारी सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कैसे फ्लो होता है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। तो हमारे पास डीएनए होता है बेटा, डीएनए होता है, ये जो है डीएनए आरएनए में कन्वर्ट, यानी आरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, सीक्वेंस जो होता है वो ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। एम मींस मैसेंजर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्यों हम इसे एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर। ठीक है, एम मींस मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता था बेटा, इसका हम क्या नाम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, देन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद क्या होता है, ये जो एमआरएनए बनकर आया हमारे पास, इसका भी कोई फंक्शन होगा, क्यों बनाए, कोई तो वर्थ होगा ना इसका। तो ये जो है आगे जाकर के बनाता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। आपको पता है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बेटा ये जो प्रोसेस होता है एमआरएनए से प्रोटीन बनने का, इसका भी एक नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए है ये खुद भी रेप्लिकेट करता रहता है भाई, ये भी तो अपनी कॉपी बनाएगा ना, तो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहता है, इसको बोलते हैं प्रोसेस को रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रल डोगमा, ये था सेंट्रल डोगमा। इसमें देखो हमने पढ़ा कि डीएनए किसमें ट्रांसक्राइब हो जाएगा, एमआरएनए में, एमआरएनए किस में ट्रांसलेट हो जाएगा, प्रोटीन में। ठीक है, डिफरेंस देखना वर्ड्स का, डीएनए का ट्रांसक्राइब होना एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और एमआरएनए का ट्रांसलेट होना प्रोटीन में प्रोसेस है ट्रांसलेशन। अब हमें समझ आ गया, इस तरह से एनर्जी, सॉरी
एनर्जी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो फ्लो करती है सेल्स के अंदर। अच्छा, अब हम वापस से अपने ट्रांसक्रिप्शन पर आते हैं और हम ये जान रहे थे कि जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो पूरा का पूरा कभी भी आरएनए में कन्वर्ट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम। पहले तो बेटा इस बात को जान लो कि ये हो गया एक स्ट्रैंड 3' to 5' डीएनए डबल हेलिकल का, ये हो गया 5' to 3'। पहली बात मैंने बताई कि कभी भी पूरा का पूरा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता या कोडिंग नहीं होती इसकी आरएनए के अंदर। इसका कुछ सेगमेंट है जो किसमें कन्वर्ट होगा, आरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3' to 5' है वो टेम्पलेट है। ठीक है, तो एमआरएनए जो बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, जस्ट इसके एंटी पैरेलल यानी 5' to 3' पोलैरिटी रहेगी इसकी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आगे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये भी पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है, इसके अंदर भी पार्ट है या कुछ पोर्शन होता है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये हम आगे ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ये बात समझ रही। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। हाँ जी, अच्छा बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि व्हाई बोथ दी स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड इनटू एमआरएनए, या क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं 3' to 5' एंड 5' to 3', ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ये दोनों के दोनों आगे एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होते, मतलब होते ही नहीं आगे ट्रांसक्रिप्शन, सिर्फ एक स्ट्रैंड है तो आगे ट्रांसक्राइब होने वाला। ठीक है, क्यों नहीं होते, अगर ऐसा होता, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, अगर ऐसा होता कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब हो जाते तो क्या कंडीशन होती, वो देखते हैं। वही इसका आंसर, उसी में इसका आंसर छिपा है कि क्यों ऐसा है, ये नेचुरल है कि एक ही जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो ही ट्रांसक्राइब होकर के एमआरएनए में आता है, दूसरा स्ट्रैंड कभी भी नहीं आता है। तो उसके दो रीजन है, वो हम पढ़ लेते हैं, वो रीजन क्या है। सबसे पहला है बेटा, सपोज करो ऐसा कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं किसकी तरह एक्ट करने लग जाए, टेम्पलेट की तरह, यानी 3' to 5' एंड 5' to 3', दोनों ही किसकी तरह वर्क करने लग जाए, टेम्पलेट की तरह। ऑब्वियस सी बात है, टेम्पलेट का मीनिंग क्या है, टेम्पलेट का मीनिंग वो स्ट्रैंड जो आगे किस में हेल्प कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा है, यानी जो जिसका सीक्वेंस रीड करके क्या बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है। तो एक एमआरएनए की चेन यहां से बनेगी, उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5' to 3', जस्ट इसके एंटी पैरेलल, और एक यहां से बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों टेम्पलेट है तो इस बार दो एमआरएनए स्ट्रैंड आएंगे ना, तो इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, अब ये है 5' to 3', तो जस्ट इसका एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, 5' to 3' का क्या हो जाएगा, 3' to 5' हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा आप देख रहे हो कि ये दोनों स्ट्रैंड जो आए, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं है, 5' to 3', 3' to 5', क्योंकि क्या हो जाएगी, आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आरएनए जब क्या बन जाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो आरएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्या हो गया, अगर डबल स्टैंडर्ड बन गया तो डीएनए भी तो डबल स्टैंडर्ड है। प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि आरएनए बन गया, ठीक है, हमें तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए के जो सीक्वेंसेस है उनको रीड करने के लिए, जब आगे जो ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे उसमें, तो ये बॉन्डिंग है इसमें कैसे हो पाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड है, आगे इसके ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोसेस पूरी मशीनरी गड़बड़ हो जाएगी। जब डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा बेटा तो एक सिंगल प्रोटीन बनाकर नहीं देगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि पहला रीजन ये हो गया कि ऐसा इस वजह से नहीं होता, कि सिर्फ इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो कि आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो
हमारा आरएनए मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होगा तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, क्या रीजन है। देखो दूसरा रीजन ये दिया जाता है, मान लो ये हो गया हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड यानी 3' to 5', दिस इज 5' to 3'। मान लो ये दोनों टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहे हैं जैसा कि हम कह रहे हैं, तो दो टाइप के मान लो एमआरएनए बन जाते हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, यानी एक बनेगा हमारा 3' से 5' का जस्ट एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, 5' to 3', यानी ये इसका क्या बन जाएगा, 3' to 5'। तो बेटा ये एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, और ये भी एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक डीएनए के सेगमेंट से टू डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बन रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा मशीनरी जो होती है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा है वो फेल हो जाएगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, जेनेटिक, एक टर्म आती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, यानी ये जो है बेटा, अगर ऐसा हुआ जो हम अपने हाइपोथेटिकल कंडीशन सोच रहे थे कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जो हमने पढ़ा जो सेंट्रल डोगमा था वो भी फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा होता है कि कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह वर्क नहीं करते, केवल और केवल एक ही स्ट्रैंड है जो किसकी तरह वर्क करेगा, टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और दूसरा है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, नाम जस्ट अपोजिट है उसके, जो फंक्शन उसके जस्ट अपोजिट है, क्या बताया, वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, बस उसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड 3' to 5', इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, सॉरी 3' to 5', इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है, हमेशा 3' to 5' को ही टेम्पलेट बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से किसी को भी आप टेम्पलेट और कोडिंग कह दें, 3' to 5' को ही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है, हम आगे पढ़ेंगे क्यों ये ही टेम्पलेट है, क्यों उसका जस्ट जो 5' to 3' पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड है वो क्यों नहीं है, इसका भी रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का यानी 5' to 3', इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसमें। अब बेटा ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या चीज है, अभी को अभी आपको बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा वो ट्रांसक्राइब नहीं होता किसमें, एमआरएनए में। तो जितना जो सेगमेंट ट्रांसक्राइब होने वाला है, अभी बताया ना आपको, कुछ ही पार्ट होता है, कुछ ही सेगमेंट होता है जो किसमें कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में। तो जो पार्ट आगे कन्वर्ट होने वाला है या ट्रांसक्राइब होने वाला है एमआरएनए में, ट्रांसक्राइब इज द बेटर वर्ड, जो ट्रांसक्राइब होने वाला है किसमें, एमआरएनए में, उस सेगमेंट को डीएनए के हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेगमेंट बेटा डीएनए का जो कि आगे एमआरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करने वाला है, वो सेगमेंट हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स हैं या रीजन है, थ्री पार्ट्स हैं बेसिकली, कौन कौन से हम देख लेते हैं, यानी इसके थ्री रीजंस कह लेते हैं या पार्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो, क्या है वो। नंबर वन, आप प्रमोटर, तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, एंड द थर्ड वन इज अ टर्मिनेटर।
देखो वैसे इसमें अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि बायोलॉजी में मोस्टली ठीक है 90% जो वर्ड्स है वो अपने आप को खुद ही डिफाइन कर देते हैं। प्रमोटर प्रमोटर मीन्स पता चल रहा कुछ आइडिया हो रहा है ना कि कुछ प्रमोट करें, जो कुछ स्टार्ट करें, है ना। स्ट्रक्चरल जीन यानी कोई जीन है, स्ट्रक्चरल मीन्स कोई मतलब बेसिक सी कोई जिस पर कुछ डिपेंडेंट है पूरा प्रोसेस। और टर्मिनेटर नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनेटर मीन्स किसी चीज को स्टॉप करने वाला है, किसी चीज प्रोसेस को, इसमें प्रोसेस है तो प्रोसेस को स्टॉप करने वाले कोई साइट। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या है। तो तीन रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बेटा, कौन कौन से दोबारा से देख लेते हैं। नंबर वन प्रोमोटर, नंबर टू स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। पहले हम इसको ना ड्रॉ करके देख लेते हैं, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं कैसे होता है। देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, कौन सा स्ट्रैंड हो गया, 3' to 5', ठीक है 3' to 5'। और ये हो गया हमारा डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जस्ट इसका एंटी पैरेलल, ठीक है यानी 5' to 3'। अभी हमने तीन पार्ट्स जो बताए कौन कौन से, प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन टर्मिनेटर, वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के ऊपर वो देखते हैं। तो देखो यहां स्टार्टिंग में हम बनाने वाले हैं इस तरह से, ठीक है। तो बेटा जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया ये पार्ट इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर ठीक है। और ये लास्ट में एंड में है तो ये क्या है, टर्मिनेटर होगा ऑब्वियसली, क्या है ये टर्मिनेटर। अच्छा अब बीच वाला जो पार्ट यानी जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में फ्लैंक कर रहा है, इस पार्ट को बेटा हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो अभी जो मैंने तीनों पार्ट्स आपको बताए वो है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। अब बेटा ये जो लेबलिंग हमने की है या ये जो बताया कि प्रोमोटर है वो स्टार्टिंग में हमने बना दिया, इस पे टर्मिनेटर लास्ट में बना दिया, इसको जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इनको प्रोमोटर का या टर्मिनेटर को, वो कौन से स्ट्रैंड के रेफरेंस में करते हैं ये याद रखना, इस तरह मार्क कर देती हूँ, हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हम इसको बताते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। वैसे तो कोडिंग स्ट्रैंड का आगे प्रोटीन सिंथेसिस तो लास्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में ही कोई रोल नहीं है आगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी नहीं है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का यूज करके हम इनको डिस्क्राइब करते हैं ऐसा कह सकते हैं। कैसे, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा हमारा 5' to 3' है ये वाला है, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर की स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट रहता है यानी कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड, और उसमें भी ये चीज याद रखनी है अपस्ट्रीम ऊपर की साइड, यहां अपस्ट्रीम क्या रहता है बेटा प्रमोटर, तो इसकी लोकेशन बता दी हमने प्रोमोटर, ठीक है। क्या बताया मैंने, प्रोमोटर होता है इसको जब हम बताएंगे, अब हमने ड्रॉ तो कर दिया ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे कि कहां पर प्रोमोटर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ड्रॉ कर दिया इसको बताना पड़ेगा आपको, तो कैसे बताओगे। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसके रेफरेंस में करते हैं हमेशा, कि प्रोमोटर कहाँ है टर्मिनेटर कहाँ है किसके रेफरेंस में करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में किया जाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड के अपस्ट्रीम में क्या रहता है, प्रोमोटर रहता है। और जो 3' एंड है यानी 3' जो एंड है हमारा उसके डाउन स्ट्रीम में क्या रहता है, बेटा प्रोसेस पढ़ेंगे बाद में, पहले हम जान लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब क्या लेबलिंग है, क्या है किसका रोल, क्या है क्या फंक्शन है, तो तब हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3' एंड जो है बेटा डाउन स्ट्रीम में इसके क्या रहता है, टर्मिनेटर। ओके इतनी चीज हमको समझ आ गई कि कहाँ पे हमारा प्रोमोटर रहता है, कहाँ स्ट्रक्चरल जीन रहता है सॉरी, और ये हो गया हमारा टर्मिनेटर। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, चलो बेटा इसमें नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी है इसमें कि एंजाइम होता है बेटा एक, जिसके बिना ये प्रोसेस है वो पूरा हो ही नहीं सकता।
नाम तो बहुत भारी भरकम सा है, सुनोगे तो लंबा लगेगा, पर बहुत इजी है, अपने आप में बहुत इजी है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो कितना लंबा नाम हो गया ना, और बहुत इजी है। देखो कैसे, अभी आपको फटाफट याद हो जाएगा। देखो डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई आप सोचो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, है ना, तो वो डीएनए पे डिपेंड हो गया ना आरएनए बनाने के लिए। ये एंजाइम जो है डीएनए, ऐसा आप मतलब समझ सकते हैं इसको कि डीएनए से आरएनए बनने वाला है, इसलिए डीएनए पे डिपेंड कर रहा है अपने आपको, तो ये हो गया डीएनए डिपेंडेंट। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए को आरएनए के स्ट्रैंड को पॉलीमराइजेशन करने वाला है, पॉलीमराइजेशन करके आरएनए का स्ट्रैंड आएगा, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, क्या नाम है पूरा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है बेटा, यही इस प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा, यही आरएनए की सिंथेसिस कराएगा। कैसे कराएगा आगे देखते हैं, चलो। अच्छा, अब ये बड़ा चालाक एंजाइम है, ये ना अपनी शर्त रख देता है कि मैं ऐसे ही नहीं पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट करके दूंगा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है वो इंटरेस्टिंग है, कि मैं जब भी एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाऊंगा वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में बनाऊंगा, या क्या रहेगी पोलैरिटी, 5' to 3' रहेगी। ये इसकी कंडीशन है कि जब भी एमआरएनए की सिंथेसिस होगी बेटा, वो 5' to 3' पोलैरिटी में डायरेक्शन में होगी, ये इसकी कंडीशन है। यानी आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द पोलीमराइजेशन ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर 5' to 3' में करेगा तो ऑब्वियसली इसको कैसा, इसका जस्ट एंटी पैरेलल चाहिए स्ट्रैंड डीएनए का, तो जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो इसका एंटी पैरेलल रहेगा, वो कौन सा होगा, 5' to 3' का एंटी पैरेलल क्या हो गया, 3' to 5' हो गया, ठीक है, एंटी पैरेलल हो गया इसका। अब समझ आया, मैंने वहां पे लास्ट में अभी क्वेश्चन बताया था कि क्यों 3' to 5' ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। अब समझ आया, इस वजह से कि आरएनए पॉलीमरेज है ना जो आगे बैठा है, जिसको प्रोसेस कंप्लीट करना है, वो करेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक डायरेक्शन चाहिए अपनी फिक्स्ड, 5' to 3', जब भी मैं जो है आरएनए की सिंथेसिस करने वाला हूं या पॉलीमराइजेशन करने वाला हूं। इस वजह से उसको एंटी पैरेलल चाहिए, एंटी पैरेलल क्या होगा, 3' to 5', और हमें पता है कि 3' to 5' कौन सा स्ट्रैंड था, टेम्पलेट स्ट्रैंड था डीएनए का। यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखते हैं कि क्या है, कि जो हमारे एमआरएनए बनकर आएगा बेटा, देखो ये हमारे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 3' to 5', ये टेम्पलेट हो गया, अगेन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। और ये जो 5' to 3' है ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब जब इस वाले टेम्पलेट से क्या बन के आने वाला है, यहाँ से आएगा हमारा एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए की अभी बताया पोलैरिटी क्या रहेगी, इसके जस्ट एंटी पैरेलल 5' to 3'। तो आप देख रहे हो इन दोनों में सिमिलैरिटी, ये भी तो 5' to 3' है, ये भी 5' to 3' है। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है जो मैं बता रही थी, कि जो एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है, जस्ट कोडिंग स्ट्रैंड जो है हमारा डीएनए का, उसके जैसा उसका सीक्वेंस रहने वाला है सेम, लेकिन एक पॉइंट पे आगे डिफर करेगा। वो पॉइंट क्या है कि डीएनए में बेटा थायमिन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस, लेकिन वो एमआरएनए में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। थायमिन की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल, ठीक है। सिर्फ जहां जहां ये जो पूरा सीक्वेंस होगा, इसका सीक्वेंस होता है ना स्ट्रैंड पे, कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, वही तो कोडिंग होती है, उन्हीं को तो रीड किया जाता है। तो जो सीक्वेंस के अंदर हमारे बेस पेयर होते हैं ना, देखो आपने पढ़े एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ये रहते हैं किसमें, डीएनए में, ठीक है। और जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर क्या क्या रहते हैं, इसके अंदर हमारे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है बस, ठीक है। तो आप ये देखो जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो इसका कोडिंग स्ट्रैंड है
वो जस्ट किसकी तरह सेम है, सिमिलर है, एमआरएनए के स्ट्रैंड की तरह सिमिलर है, बस कहां डिफरेंस आ जाएगा, यानी सारा सीक्वेंस एज इट इज आ जाएगा। मान लो आप ऐसे मान सकते हो, मान लो यहाँ ए है, सपोज कर लो यहाँ जी है, यहाँ सी टी सी जी ए, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पे भी सेम ही रहने वाला है, तो ए जी सी, बस थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। अभी बताया ना थायमिन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए है और ये डीएनए है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल लगा दिया, यहाँ पे सेम सी जी ए, यानी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल, ये इसमें रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं डीएनए में, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो बेटा, सपोज करो अगर आपको एग्जाम में कोई सीक्वेंस दे दिया जाए डीएनए का, और आपको पूछ लिया जाए कि आपको एमआरएनए में उसका सीक्वेंस बताना है कि क्या सीक्वेंस रहेगा एमआरएनए का, तो बहुत सिंपल है, आपको एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। सपोज कर लो कोई हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 3'2 5' डीएनए स्ट्रैंड हो गया, जो ये क्या बोलते हैं 3'-5' को बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड हो गया डीएनए का बेटा, इसका एंटी पैरेलल जो है ये हो गया हमारा, इसका 5'-3' पोलैरिटी रहेगी, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। अब सपोज करो कि आपको इनमें से एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस मिल जाए, दूसरे का आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे और एमआरएनए का भी निकाल लोगे, कैसे देखते हैं। मान लो सीक्वेंस हमारा ए टी सी जी ए जी सी ए टी, मान लो ऐसे मैंने सपोज कर लिया कि ये सीक्वेंस हमें गिवन है एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाए कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ प्लस एमआरएनए का भी बता दो भाई, एमआरएनए में क्या होगा सीक्वेंस, ठीक है। तो पहले हम कोडिंग स्ट्रैंड में देखते हैं, इसका एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंटी पैरेलल तो डायरेक्शन होती है, और जो सीक्वेंस आएगा वो कैसा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए का क्या हो जाएगा एडेनिन का, क्योंकि डीएनए है, डीएनए का पार्ट है, तो यहाँ थायमिन आएगा, ठीक है। अब थायमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का क्या आ जाएगा साइटोसिन, देन एडेनिन का अगेन थायमिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थायमिन एंड थायमिन का एडेनिन, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ गया, इज दैट क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम एमआरएनए का भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, क्या तरीके हैं, हमें पता है कि एमआरएनए जो होता है वो किस पे अपनी सिंथेसिस करता है, कौन से स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। और हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता है कि जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है और जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है, इन दोनों का सीक्वेंस हमेशा सिमिलर होता है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस और एमआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस आएगा वो बिल्कुल सिमिलर होता है, सिर्फ कहां डिफर करता है, डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन एमआरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, क्या होता है इसकी जगह पे, थायमिन की जगह, ये थायमिन नहीं होता एमआरएनए के अंदर, क्या होता है इसमें, यूरेसिल होता है, ठीक है। चलो हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं, क्या रहेगा सीक्वेंस, सेम रखना है पूरा, हमें बताया बिल्कुल सेम होगा, पोलैरिटी भी सेम होगी 5'-3', क्योंकि ये इसके, आप देखो यहाँ से सिंथेसिस होकर आई है, इसके एंटी पैरेलल लेनी है, ठीक है। तो ये 5'-3' हो जाएगी पोलैरिटी। अब सीक्वेंस देखो बेसिस का क्या रहेगा, थायमिन जहां जहां है आपको बस यूरेसिल कर देना है, बाकी सारा सेम रखना है, अगेन थायमिन आ गया यूरेसिल कर दो, सी जी थायमिन की जगह यूरेसिल, इस तरह से हम इजिली बता सकते हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगा हमारा। हमें सिर्फ एक कोई भी स्ट्रैंड, अगर हमें कोडिंग का दे दिया, मान लो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस गिवन है, तो हम टेम्पलेट का निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपना पूरा सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब अपनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे वापस से, जो हमने उसके 3 पार्ट्स बनाए थे या 3 रीजंस बताए थे, उनको देख लेते हैं कि कैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा। आपको बताया था बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई थी आपकी मैंने, 3'-5', एंड देन दिस इज 5'-3',
यहां मैंने स्टार्टिंग में बनाया था क्या, प्रमोटर, यहां हमारा हो गया टर्मिनेटर, प्रमोटर टर्मिनेटर, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब इसमें देखो प्रमोटर और टर्मिनेटर बीच में किसको लेके बैठे हुए हैं, जिसके बॉडीगार्ड है, ऐसे मान लो प्रोमोटर टर्मिनेटर किसके, स्ट्रक्चरल जीन के। स्टार्टिंग में इसके कौन है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है प्रोमोटर, और एंड में क्या है टर्मिनेटर। अब इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको इसकी साइट बता चुकी हूँ कि प्रोमोटर कहाँ रहता है, कोडिंग जो सीक्वेंस होता है हमारा उसके रेफरेंस में बताएंगे। प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल, सॉरी प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये वाला 5' to 3', इसके 5' एंड के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड के डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब प्रोमोटर क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये क्यों प्रेजेंट है। तो बेटा अभी हमने एंजाइम पढ़ा था अपना, कौन सा एंजाइम था इसको याद करते हैं दोबारा से, आरएनए पॉलीमरेज, क्या था, आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये जो एंजाइम है बड़ा चालाक एंजाइम है, पहले इसने शर्त रख दी कि मैं जो है आरएनए की सिंथेसिस जब ही करूंगा जब मुझे कौन सी डायरेक्शन मिले 5' to 3', वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी इसकी कंडीशन क्या रहती है कि ये प्रमोटर साइट पर बाइंड होगा बेटा जाकर के, ये एंजाइम जो है प्रमोटर साइट पर जाकर बाइंड होगा तभी हमारा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा। ठीक है, तो प्रमोटर साइट पर जाकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, देन हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा लिख देती हूँ, प्रमोटर जो होता है बेटा ये ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है विच प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें लिख देती हूं, डीएनए सीक्वेंस विच प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो प्रोमोटर वो डीएनए सीक्वेंस, देखो यहां पे सीक्वेंस है पूरा, ये डीएनए है पूरे में सीक्वेंस है कुछ ना कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन में सीक्वेंस, पूरा डीएनए का ही पार्ट है, यहां पे भी सब सीक्वेंस ही रहते हैं डीएनए के, नाइट्रोजिनस बेसिस के सीक्वेंस रहते हैं। तो यानी इसमें वो सीक्वेंस रहता है जो कौन सी साइट प्रोवाइड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, हाँ एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि प्रमोटर है बेटा जो डिसाइड करेगा, प्रमोटर ही है जो डिसाइड करेगा या डिफाइन करेगा कि कौन सा स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट है और कौन सा कोडिंग है। इंटरेस्टिंग बात है, क्या बोला, मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्रमोटर ही डिसाइड करेगा कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड है वो है टेम्पलेट और कौन सा है कोडिंग। कैसे, अगर आपने ये मान लो रिवर्स कर दी कंडीशन, यहाँ आप लगा दो टर्मिनेटर, यहाँ लगा दो प्रोमोटर, तो जस्ट इसकी डेफिनेशन ऑपोजिट हो जाएगी। प्रोमोटर जो है हमेशा इनिशिएटर मान लो आपको या स्टार्टिंग में रहेगा, और जो टर्मिनेटर है वो एंड में रहेगा। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हम टर्मिनेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टर्मिनेटर अभी बताया जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके एंड में प्रेजेंट रहता है, और उसको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे, कोडिंग सीक्वेंस के रेफरेंस में बताएंगे। बताया मैंने कैसे, जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है कौन सा 5' to 3', तो उसका जो 3' एंड है उसके डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक तो बात ये रही, टर्मिनेटर करता क्या है बेटा, टर्मिनेटर जो है ये पूरे प्रोसेस को एंड करता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा हमारा एमआरएनए बन के आएगा तो उसको कहीं रोकना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी भी सिंथेसिस चलती रहेगी। तो ये वो डीएनए सीक्वेंस होता है टर्मिनेटर में, ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जो आरएनए पॉलीमरेज से कह देता है बस हो गया काम, अब रुक जाओ, अब स्टॉप कर दो प्रोसेस को, हमारा एमआरएनए जो प्रोसेस है बनने का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटर जो होता है बेटा, मैं लिख देती हूँ इसको भी, इट इज प्रेजेंट
एट द इट इज प्रेजेंट एट द थ्री प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। देखो कोडिंग स्ट्रैंड इनको डिफाइन करने के लिए बार बार यूज हो रहा है, भले ही इसका आगे रोल हो या ना हो, यानी आगे रोल तो है ही नहीं इसका कोडिंग स्ट्रैंड आगे, ना तो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में रोल है इसका ना प्रोटीन में, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड के वजह से हम डिफाइन कर पा रहे हैं किसको, प्रोमोटर को, टर्मिनेटर को और स्ट्रक्चरल जीन को। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द थ्री प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड ये क्या करने वाला है, प्रोसेस को एंड करने वाला है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो टर्मिनेटर क्या करता है, जो प्रोसेस है हमारा उसको स्टॉप करता है। इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसमें बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है बस उसमें इतना ही चीजें रहती है कि प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है या टर्मिनेटर है, मेनली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी होते हैं जिन्हें हम रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं बेटा, कुछ एडिशनल जीन्स भी होते हैं, एडिशनल जीन्स, वहां भी इसका कोई रोल हमें अभी इसमें नहीं पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन में, आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडिशनल जीन्स भी रहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन्स। इनका रोल कहाँ रहता है या इनको हम कहाँ पढ़ेंगे, इनका डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, जब हम अपना कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, वहां पढ़ेंगे इसको, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलो अब यहां तक बातें हमारी क्लियर हो गई हैं, हमें पता चल चुका है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से रीजन है, क्या उनका फंक्शन है, कैसे जो हमारा एंजाइम है स्टार्ट करेगा सिंथेसिस एमआरएनए की, और कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, अब बेटा जीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हमने देखो प्रमोटर पढ़ लिया, टर्मिनेटर पढ़ लिया, लेकिन जो बीच का पार्ट हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल जीन, उसके बारे में जान लेते हैं। उससे भी पहले जीन क्या होता है, देखो जीन क्या होता है। तो बेटा जैसे ऐसे मान सकते हो आप एक मकान है, घर है कोई, उसका जो यूनिट क्या है, उसकी फंक्शनल यूनिट किस पर टिकाया होगा, एक ईंट, ब्रिक, ऐसे ही मान लो। हम इतना सारा जो हमारा इनहेरिटेंस जो हम कर रहे हैं, अपने जो पूर्वज हैं, हमारे एंसिस्टर हैं, इतनी सारी उनसे हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, वो किस पर बेस्ड है, वो जीन पर बेस्ड होती है। ठीक है, किस पर बेस्ड होती है, जीन पर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें देखो बेटा, जो जीन्स होते हैं आपको पता है कहां प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जीन्स कहां होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिफाइन करना कि जो सीक्वेंस रहता है डीएनए का, वहां पर जीन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप फिलहाल ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, और अभी हमें पता है कि जीन है क्या, जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की, यानी जो इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हमें हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमने एंसेस्टर्स से मिले, अपने पेरेंट्स से मिले हैं, वो किस पर बेस्ड है, यूनिट क्या है, वो यूनिट है जीन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक टर्म आती है बेटा सिस्ट्रोम, वो देख लेते हैं क्या, ये सभी टर्म्स क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बार बार रिपीट होंगी, यूज होंगी, पहले हम इनको पढ़ रहे हैं, कल हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिस्ट्रोन, अब सिस्ट्रोन क्या होता है बेटा, तो बेटा डीएनए का वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बना है, मैं पहले लिख देती हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड,
पहली बात तो ये जान लो बेसिक सी बात, पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की। चलो इसका, इसके भी नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है। प्रोटीन में कौन से बॉन्ड रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब एक बॉन्ड तो होता नहीं है, आपको पता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे करके पूरी चेन बनाते हैं, या अलग अलग अमाइनो एसिड रहते हैं, ये कोई एक अमाइनो एसिड है, कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, कोई तीसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, या फिर ये कोई और अमाइनो एसिड है, इस तरह से पूरी चेन रहती है अमाइनो एसिड की। तो ये जो बॉन्ड रहते हैं ना इनके बीच में, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड, बाकी ट्रांसलेशन में और इसको क्लियर करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, तो एक तो पेप्टाइड बॉन्ड है नहीं, देख लो ना, मल्टीपल है, पॉली, पॉली मीन्स एक से ज्यादा, तो इस वजह से इसका नाम क्या होता है, पॉली पेप्टाइड चेन कह देते हैं प्रोटीन को, या पॉली पेप्टाइड बॉन्ड रहता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम सिस्टोन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, क्या लिखा है मैंने इसमें कि वो पार्ट डीएनए का बेटा जो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, इस चीज को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अभी आपको बताया था कि डीएनए एक बहुत ही लंबा डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, तो आपको बताया था कि पूरा का पूरा कभी भी एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, या एमआरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता, कुछ सेगमेंट होता, ठीक है, कुछ सेगमेंट है जो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। ऐसे ही बेटा ये एमआरएनए जो बनकर आया है, ये भी पूरा का पूरा क्या नहीं बनाने वाला, प्रोटीन नहीं बनाने वाला, इसका भी कुछ पार्ट है, वो पढ़ेंगे कैसे स्प्लिट हो जाता है इसमें से कुछ पार्ट जो प्रोटीन में नहीं कोडिंग करता है या प्रोटीन नहीं बनाता है, तो कुछ पार्ट होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ ही पार्ट फाइनली डीएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आप क्लियरली देख रहे हो कि कुछ ही पार्ट फाइनली लास्ट में प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसी वजह से वो पार्ट डीएनए का जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है उस पार्ट को हम सिस्टोन कहते हैं। इज दैट क्लियर, क्या कहा मैंने, कुछ ही पार्ट डीएनए का या एक सेगमेंट डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, देन उसमें से भी कुछ पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाता है, एक्सोन इंट्रोन आगे पढ़ेंगे, वो कुछ चीज उसमें से रिमूव हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फाइनली प्रोटीन बनता है हमारा। तो प्रोटीन जो बनाता है डीएनए का पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। यहाँ पे हमारी ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट, आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, या बाकी जो है प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का अगले पार्ट में समझाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में पूरा प्रोसेस है, वहां पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन जो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कंप्लीट हो रहा है, और जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज और देख लेते हैं कि जो बेटा स्ट्रक्चरल जीन हमने भी बनाया था ना, स्ट्रक्चरल जीन बेटा ये टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स, कौन कौन से, नंबर वन स्ट्रक्चरल जीन जो होता है टू टाइप्स का होता है, नंबर वन है मोनोसिस्ट्रॉनिक और नंबर टू है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। देखो नाम से भी पता चल रहा है, मोनो मीन्स एक ही टाइप का, ठीक है, पॉली मीन्स एक से ज्यादा टाइप कुछ होगा इसमें, वो आगे देखेंगे। अच्छा, मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें मिलता है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो बेटा ये मोस्टली किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, मोस्टली किसमें, मोस्टली इन यूकैरियोट्स, ठीक है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन किसमें पाया जाता है, मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स, जैसे बैक्टीरिया हो गए, मोस्टली इन, देखो एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, इसलिए हम 100% नहीं लिखते हैं कभी भी यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, मोस्टली, ठीक है, एक्सेप्शन रहते हैं हर इसमें केस में, तो मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह में। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक जब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पे आपको ये क्लियर कर देंगे क्या चीज है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पूरा इंट्रोडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड, उसके पार्ट सब कुछ। अब प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग,
मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल थॉट्स पॉट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।